क्या कहलाता है में फाइनली अभिनव का एक छोटा सा गाइडेंस अभी का एग्जीबिशन कराता नजर आने वाला है और यही बात अभिमन्यु के लिए एक बड़ी खुशी और बड़ी सेलिब्रेशन का कारण भी बनता नजर आने वाला है, क्योंकि वो चाहते थे कि अब जब अभी उनके साथ रह रहे हैं तो उदयपुर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में उनका एडमिशन भी हो जाए और इसी के चलते अब फाइनली अभी का एडमिशन सक्सेसफुल होता हुआ नजर आने वाला है। तो जहां एक तरफ अभिमन्यु की जिंदगी में तो खुशियां आ गई हैं, रूही उनके पास ऑलरेडी पहले से थी, अब तो अभीर भी आ गए हैं, तो अब रूही और अभीर को वो दोनों को अपने बच्चों की तरह रखते नजर आने वाले हैं और ये खुशी उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी मानो अभी के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ अभिनव और अक्षरा की जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ सैडनेस है, क्योंकि अक्षरा को एक बार फिर से बिरला मेंशन जाकर कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो उनके मन में इस परवरिश को लेकर, यानी कि अभिमन्यु जो अब अभीर को परवरिश करने वाले हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता नजर आने वाला है, क्योंकि जो मंजरी माँ अक्षरा के साथ सही के साथ हमेशा हुआ करती थी, आज वही सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के खातिर अक्षरा के साथ बार बार तालों जैसा बिहेव कर रही है। तो देखने वाली बात ये होगी फैंस की अक्षरा को कुछ ना कुछ फैसला तो लेना होगा अभीर के खातिर, पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली हम बात होगी। तो देखते रहिए रिश्ते क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो।